एवरीवन, वेलकम टू वस एजुकेशन। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। या तो क्वेश्चन में इस तरह से पूछ सकते हैं या फिर आ सकता है प्रूव दैट आर इक्वल टू एम एल डिवाइडेड बाय एनी स्क्वेयर टाओ ए, या इस तरह से आपको प्रूव करने को आ सकता है, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस और m क्या है मास ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, l इज ए लेंथ ऑफ कंडक्टर, n क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, e चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन एंड tau इज द रिलैक्सेशन टाइम, a इज ए क्रॉस सेक्शन एरिया। क्लियर है? ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कैसे। हमें पता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन होता है I इक्वल टू किसके बराबर, एन ई ए वी डी। क्लियर है ये? तो ठीक है, इसे हम फर्स्ट नाम दे देते हैं, है ना। अब हमें पता है वी नो, हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, वो क्या होता है वी डी इक्वल टू किसके बराबर, ई टाओ डिवाइडेड बाय एम के बराबर। क्लियर है? ओके, अब मैं यहाँ पे राइट डाउन कर रही हूँ। देखो, रफ वर्क है ये। हमें पता है हम ई को एक रिलेशन में फाइंड आउट किया था, ई इक्वल टू डी वी डिवाइडेड बाई डी आर माइनस डी वी बाउंड डी आर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते थे। ठीक है, और ये नेगेटिव साइन हम यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ये तो डायरेक्शन शो करता था। तो ई इक्वल टू क्या हो गया, डी वी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, वी, और डी आर की जगह एल राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो ई को हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, वी डिवाइडेड बाई एल, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम। ठीक है, तो वी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी डी इक्वल टू, यहाँ भी हम देखो नेगेटिव साइन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव साइन क्या शो करता था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ गया ई, इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हम वी डिवाइडेड बाई एल राइट डाउन कर सकते हैं, वी डिवाइडेड बाई एल, और यहाँ पे एम है और इधर आ जाएगा टाउ। क्लियर? ऐसे हम राइट डाउन कर सकते हैं, इसे आप सेकेंड नाम दे दोगे। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू यहां पे पुट कर दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ वी डी इन वन, तो आपके पास आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी की वैल्यू पुट कर दो, ई वी टाओ, ठीक है, डिवाइडेड बाय किसके बराबर आ जाएगा, एम एल। ठीक है, आई की वैल्यू आपके पास ये वाली आ जाएगी, तो आई इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, देखें एन ई स्क्वेयर, एन ई स्क्वेयर ए वी टाओ डिवाइडेड बाय एम एल। क्लियर है ये? तो है ना, इसे हम यहाँ राइट डाउन कर लेंगे, इसको वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इजी करने के लिए कर रही हूँ मैं सिर्फ, अगर हम इसे राइट डाउन कर लें एन ई स्क्वेयर ए वी टाओ डिवाइडेड बाय एम एल इक्वल टू किसके बराबर आ गया, आई के। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, देखो हमें ओम्स लॉ प्रूव करना है यहाँ से। ठीक है, तो हम अगर हम वी को यहीं रहने दें, वी है ना यहाँ पे, इसको ऐसे रहने, तो आई को यहाँ ले आओ, आई को अगर हम नीचे लेके आ जाते हैं तो किसके बराबर हो जाएगा, बाकी सब टर्म्स उधर चली जाएंगी, एम एल नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, एम एल डिवाइडेड बाय वी को छोड़ के बाकी सब टर्म्स नीचे आ जाएंगी, एन ई स्क्वेयर टाओ ए। क्लियर है? ओके, तो हम इसे राइट डाउन कर लेते हैं, क्या आ गया ये, वी डिवाइडेड बाय आई इक्वल टू किसके बराबर आ गया, एम एल डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वेयर टाओ ए के बराबर आ गया। ठीक है, अब देखो ये सारी टर्म्स कांस्टेंट होती हैं फॉर ए फिक्स टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर फिक्स रखते हैं हम कंडक्टर का, तो ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये सब क्या रहती हैं, कांस्टेंट हो जाती हैं, कांस्टेंट होती हैं ये। तो हम राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे इस तरह से, आप अगर एग्जाम में आएगा तो आप ऐसे राइट डाउन कर सकते हो, एट ए फिक्स टेम्परेचर, एट ए फिक्स टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर पे क्या होगा, द क्वांटिटीज क्वांटिटीज कौन कौन सी, एम एल एन ई
टाउ एंड ए, ये सारी क्वांटिटीज जो हैं ये क्या हो जाएंगी, ऑल हैव कांस्टेंट, ऑल हैव कांस्टेंट वैल्यू फॉर ए गिवन कंडक्टर, कि कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी इन सब की। क्लियर है? तो वी अपॉन आई किसके बराबर आ गया, कांस्टेंट, देखो इसके बराबर, इसको हम नाम दे देते हैं थर्ड वन। वैसे तो देखो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ यहीं से प्रूव हो गया, ठीक है। ओम्स लॉ क्या होता है, वी डिवाइड, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी साइन हटता था तो आर लग जाता है, वी इक्वल टू आर आई, और हम वी डिवाइडेड बाय आई इसको कैसे लिख सकते थे, आर के बराबर जो कांस्टेंट होता था, यही तो यहां पे है। वी डिवाइडेड बाय आई किसके बराबर आ रहा है, कांस्टेंट के बराबर। इट प्रूव्स ओम लॉ, ठीक है, ये प्रूफ हो गया उसका। अभी देखो अगर हम यहां पे राइट डाउन कर लें कैसे, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता था, ओम्स लॉ याद है ना आपको, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, क्लियर है। उसके बाद वी इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता था तो आर लग जाता है, वी इज इक्वल टू आर आई, और यहीं से हम राइट डाउन कर सकते हैं वी, अगर हम आई को इधर ले आए तो किसके बराबर होता था, आर के बराबर, और आर की वैल्यू कैसी होती थी, कांस्टेंट, आर की वैल्यू कांस्टेंट होती थी ओम्स लॉ के लिए, ठीक है। तो वी अपॉन आई इक्वल टू आर इक्वल टू कांस्टेंट आ गया, ये इसको हम फोर नाम दे दो। अब आप कंपेयर करो इन दोनों को, देखो सेम है ये तो, है ना। तो यहां से आप आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, वी अपॉन आई इक्वल टू आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, और यहां पर भी वही चीज है, तो आर किसके बराबर है यहां पे, ठीक है। अब आप लिखो कंपेयरिंग थ्री एंड फोर को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो आर की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, एम एल डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वेयर टाउ ए, क्लियर है। यही वैल्यू तो आपको प्रूव करनी थी, ठीक है। आर किसके बराबर, क्योंकि देखो यहां भी वी डिवाइडेड बाय आई इक्वल टू आर इक्वल टू, ये कांस्टेंट टर्म के बराबर है और ये भी कांस्टेंट टर्म के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो इट मींस ये आर किसके बराबर आ गया, ये प्रूव हो गया, है ना। तो आप इस तरह से ये वाली चीज क्या कर सकते हो यहां पे, हेंस आप लिख सकते हो प्रूव्ड, प्रूव हो गया ये वाली चीज, क्लियर है आपको, है ना। हमने सबसे पहले क्या किया, आई की वैल्यू आपको पता था, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, ये वाला होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने ए की वैल्यू राइट डाउन कर ली, वी डिवाइडेड बाय एल, फिर वी डी की वैल्यू हमने करंट में डाली, और यहीं से वी अपॉन आई हमने फाइंड आउट कर लिया, और ये सारी वैल्यू क्या होती है, फॉर ए फिक्स टेम्परेचर ये कॉन्स्टेंट रहती है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये कॉन्स्टेंट के बराबर, और यही ओम्स लॉ है। तो यहाँ से आर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, एम एल डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वेयर टाउ ए के बराबर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।